आप एक फोटोग्राफर हैं या फोटो एंथुजियास्ट हैं जो अपने फोटोज को ऐसे से ऐसा बनाना चाहते हैं या अपने फोटोज को प्रोफेशनल तरीके से एडिट करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में बताऊंगा 5 बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर PC, जिसके बाद आप भी मुझे गले लगाकर कहोगे Now let's start the main video. अब सबको पता है कि जब भी हम कोई सॉफ्टवेयर फाइनलाइज करते हैं तो एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बनाते हैं और सॉफ्टवेयर्स उसमें जैसे जैसे सेट होते हैं उसी हिसाब से उनको रैंकिंग दी जाती है, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना बेस्ट है। फर्स्ट, इजी टू अंडरस्टैंडेबल इंटरफेस प्लस एडवांस फीचर्स होने चाहिए। सेकंड है पे लेस एंड गेट मोर, यानी कि कम खर्चे में लड़की पटाना है, ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर होना चाहिए, वो भी कम पैसों में और ज्यादा फीचर्स मिलने चाहिए। थर्ड, कि एडिटिंग हमारी टाइम से हो और ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो ये तो था क्राइटेरिया, आ जाओ देखते हैं कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स बेस्ट हैं। 5 से लेकर 1 तक की रैंकिंग दूंगा। और एक बात और डिस्क्लेमर में ऐड करना चाहूंगा कि आगे चलकर अगर यही कंपनीज अपने प्राइस और ऑफर्स हाई कर देती हैं तो किसी भी क्रिएटर जिसने वीडियो में अपनी ने फ्री बोल दिया हो या कुछ कम प्राइस पर ऑफर किया हो तो उसको कुछ मत कहना, क्योंकि सॉफ्टवेयर को कब पेड रखना है और कब फ्री करना है ये चीजें कंपनीज के हाथ में होती है, क्रिएटर्स के नहीं। तो इसी के साथ 5th नंबर पर बेस्ट सॉफ्टवेयर है कैनवा। ये सॉफ्टवेयर एक्चुअल में एक वेबसाइट बेस्ड सॉफ्टवेयर है और अगर आप चाहो तो PC, लैपटॉप, मोबाइल में डाउनलोड भी कर सकते हो या अगर आप चाहो तो canva.com पर जाकर डायरेक्टली फोटो वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। इंटरफेस पूरी तरह से बिगिनर लेवल का है। कैनवा पर आपको बहुत सारे पैम्पलेट्स मिलते हैं जिन्हें आप कस्टमाइज करके एडिटिंग कर सकते हो। इसके अलावा आपको एलिमेंट्स मिलते हैं जिसे आप अपनी फोटोज में, थंबनेल्स में, प्रोफाइल में, जिसमें चाहो यूज कर सकते हो। आजकल वैसे भी पैम्पलेट्स का यूज बहुत बढ़ता जा रहा है, खैर इस बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, यानी विंडोज, मैक, एंड्रॉइड, जिसमें चाहो यूज कर सकते हो। और हाँ, अगर मिड रेंज या हाई एंड सिस्टम है तो डाउनलोड करके यूज करो और अगर मेरी तरह लो एंड है तो डायरेक्ट वेबसाइट यूज कर लो। डाउनसाइड कुछ नहीं है इस प्लेटफॉर्म की, बाकी आप चाहो तो थंबनेल्स, फोटोज, प्रोफाइल, बैनर सब कुछ एडिट कर सकते हो। और इसी के साथ 4th नंबर पर बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है पिक्सलर। ये सॉफ्टवेयर भी एक्चुअल में एक वेबसाइट बेस्ड फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जहां आप सिंपल pixlr.com पर जाकर फोटो एडिटिंग कर सकते हो। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर आप लोगों के पास में हाई एंड या मिड रेंज मशीन नहीं है तो आप लोग अपने लो एंड सिस्टम पर भी आसानी से एडिटिंग कर सकते हो, इवन अपने मोबाइल फोन पर भी। फीचर्स के मामले में सभी एडवांस फीचर्स मिल रहे हैं जैसे कि लेयर्स, फिल्टर्स, इफेक्ट्स, और उन्हें समझना इतना इजी है कि 5-6 फोटो एडिटिंग में ही समझ आ जाएंगे। एंड अगेन, इस पर भी आप फोटोज, थंबनेल्स, प्रोफाइल, बैनर ये सब एडिट कर सकते हो। फोटोशॉप से इंस्पायर्ड है तो यहां आपको पैम्पलेट्स तो मिलेंगे नहीं और जो मिलेंगे वो कुछ खास नहीं होंगे, फ्री का नहीं है, ये एक पेड सॉफ्टवेयर है, पर हाँ आप लोग डेली 3 फ्री एक्सपोर्ट्स कर सकते हो। एंड आई थिंक समझ आ गया होगा कि कैसे बिना पैसे दिए एडिटिंग करनी है। ओके, नेक्स्ट और 3rd बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूं तो आता है एफिनिटी फोटो एडिटर। इसका इंटरफेस भी कुछ हद तक फोटोशॉप से इंस्पायर्ड है और फीचर्स तो ज्यादातर वही हैं जैसे कि रॉ फोटो एडिटिंग, मास्किंग, ब्लेंडिंग मोड्स, कर्व्स और लेवल्स, जो कि हाई एंड क्वालिटी में फोटो एडिट करने में मदद करते हैं। एक अच्छी बात लगी मुझे कि PSD फाइल कंपैटिबिलिटी मिल रही है और आपको पता होगा कि PSD फाइल जो है फोटो एडिटिंग में एक यूनिवर्सल प्रोजेक्ट फाइल मानी जाती है, क्योंकि फोटोशॉप में जब भी हम लोग प्रोजेक्ट सेव करते हैं तो वो एक PSD फाइल में सेव होता है और उसे फोटोशॉप में आसानी से ओपन किया जा सकता है। एज इट इज आप एफिनिटी फोटो एडिटर में भी PSD फाइल ओपन कर सकते हो। एक फायदा और दिखा कि ये काफी कॉस्ट इफेक्टिव सॉफ्टवेयर है एज कंपेयर टू फोटोशॉप एंड अदर्स। वन टाइम परचेज सॉफ्टवेयर है, यानी कि सिर्फ एक बार खरीदना है और उसके बाद लाइफ टाइम छुट्टी। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, विंडोज, मैक और iPad तीनों पर अवेलेबल है। इसी के साथ नेक्स्ट और 2nd फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है GIMP इमेज एडिटर। आई नो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया होगा कि इसको 2nd रैंकिंग क्यों दे दी, बट इन रियलिटी ये डिजर्व करता है। वो तो समझ आ गया अर्श भाई, पर कैसे? सबसे पहला कि आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, 2nd कि ये एक ओपन सोर्स इमेज एडिटर है और जैसा कि रीसेंट मार्केट चेंजेस में हम देख रहे हैं कि लोग ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स में बहुत कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये उनमें से ही एक साबित होता है अभी के लिए एंड मे बी आने वाले टाइम में भी। ओपन सोर्स की वजह से इसका इंटरफेस काफी इजी टू अंडरस्टैंडेबल है और तो और इंटरफेस को भी कस्टमाइज कर सकते हो टू सेव योर टाइम एंड वर्क। क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, विंडोज, मैक, लिनक्स में आराम से यूज कर सकते हो। फीचर्स भी काफी इंटरेस्टिंग है जैसे लेयर्स, मास्किंग, फिल्टर्स, कलर करेक्शन, ब्रश, टेक्स्ट टूल्स और भी बहुत कुछ। इस सॉफ्टवेयर में डाउनसाइड ये लगी कि बिगिनर्स को जल्दी समझ नहीं आएगा, 2nd आपको कंपैटिबिलिटी इश्यूज देखने को मिलेंगे क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, एंड 3rd कि कुछ फीचर्स जो हैं वो फोटोशॉप की टक्कर के नहीं। तो ये था हमारा 2nd बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर
GIMP इमेज एडिटर, बहुत लंबा नाम है यार इसका। नेक्स्ट और फर्स्ट नंबर पर आने वाला बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर की बात करूं तो आता है एडोब फोटोशॉप। तो आपको पता होगा कि ये सॉफ्टवेयर आदि मानव के जमाने से एग्जिस्ट करता है। ये तो धोती खोल रहा है। धोती खोलने वाली बात नहीं है, क्योंकि आज जो नए सॉफ्टवेयर्स आ रहे हैं वो मोस्टली फोटोशॉप से इंस्पायर्ड होकर ही डेवलप किए जा रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि उनके डेवलपर्स ने भी एक टाइम में फोटोशॉप इस्तेमाल किया है। टूल्स बहुत सारे मिलते हैं, ब्रशेस, लेवल्स, कर्व्स, इसके अलावा बहुत कुछ है जो चाहो यूज कर सकते हो। एक्यूरेसी लेवल इतना खतरनाक है, क्योंकि मैंने कहा कि ये आदि मानव के टाइम से एग्जिस्ट करता है, तो एडोब वाले इसको टाइम टू टाइम बग फिक्स, एक्यूरेसी हर एक चीज पे काम करके इसको बेस्ट सॉफ्टवेयर बनाने में लगे हैं। पेड सॉफ्टवेयर है, फ्री में नहीं मिलेगा, आपको इसके लिए मंथली मेंबरशिप देनी होगी। सॉफ्टवेयर कंपेटिबिलिटी की बात करूं तो आपके पास में कम से कम 8GB रैम होनी ही चाहिए फोटोशॉप यूज करने के लिए। इसके अलावा आपको क्रॉस प्लेटफॉर्म का सपोर्ट मिलता है, यानी कि विंडोज, मैक और एंड्रॉइड तीनों में यूज कर सकते हो। आई नो आपके मन में सवाल आ रहे होंगे कि अर्श भाई ये बताओ कि फीचर समझ आ गए, कंपेटिबिलिटी समझ में आ गया, बट इस सॉफ्टवेयर की डाउनसाइड क्या है? तो देखो यार, डाउनसाइड एज यूजुअल कुछ लगी नहीं मुझे। बाकी आप लोगों को क्या क्या डाउनसाइड मिलती है वो मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, बिकॉज मेरे को तो एक दो ही मिली और वो भी बहुत छोटी मोटी थी, इसके अलावा कुछ खास मुझे दिखा नहीं, आपको दिखे तो जरूर से बताना। बाकी ये हो गए आपके पांचों बेस्ट फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स फॉर PC। कमेंट्स करके मुझे बताना आपको कौन सा सॉफ्टवेयर बेस्ट लगा और किसका यूज आप लोग करना चाहते हो। और हाँ, अगर आप लोग फ्री में आने वाले फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स जानना चाहते हो तो राइट में वीडियो है, जाकर चेकआउट करो। बाकी चलिए, यही था कुछ आज का वीडियो, मिलूंगा आपसे और किसी अच्छी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय।